सिटीजन एजुकेशन सेक्टर 8 कहानी में जो ऑफिस है वो 1997 से टीचिंग कोर्स करवाता है। और टीचिंग कोर्सेज का मेन एम ये है कि जो बच्चे 12th या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उनको क्या होता है, टीचिंग जॉब के लिए कोर्स करना पड़ता है। अगर प्राइमरी टीचर बनना चाहता है तो उसको पीआरडी के लिए डीएलएड करते हैं। डीएलएड को पहले क्या होता था, हर स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे यूपी में बीटीसी, हरियाणा में आपका जेबीटी, राजस्थान में एसटीसी, इस तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। ईटी के नाम से जानते थे, जम्मू कश्मीर में आपका जेबीटी के नाम से जानते थे। तो अब क्या हो गया, कॉमन नाम हो गया इसका, जिसको बोलते हैं डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि आपका एनसीटी से रिकॉग्नाइज होता है हर स्टेट में। ऑल इंडिया सबकी वैल्यू सेम होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एएफटी से जो बच्चे बारहवीं या ग्रेजुएशन के बाद आते हैं उनको ये सलाह दी जाती है कि प्राइवेट टीचर बनना है तो डीएलएड का कोर्स करें। और उसके लिए हरियाणा और मध्य प्रदेश, हरियाणा में जो होता है वो होता है निवानी बोर्ड से होता है, हरियाणा बोर्ड, और इसे जो टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है या जो काउंसलिंग ऑर्गेनाइज करती है वो करती है एससीईआरटी। दिल्ली और हरियाणा का जो एससीईआरटी है बहुत काउंसलिंग कराती है। और मध्य प्रदेश के लिए क्या होता है, एमपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसकी साइट है mpbsc.nic.in, तो उस पर भी आपको डिटेल मिल जाती है। तो वो हमारा जो एक तरीके से वेदांता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, तो उनके अपने कॉलेज हैं, जैसे हरियाणा में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। तो बेसिकली क्या होता है कि और हमारे साथ कई कॉलेजों की ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई है, तो उनके साथ हम लोग टाई अप इस तरह से होता है कि उनको किसी तरह परेशानी ना हो। और हमारे साथ करने से बेनिफिट होता है, जो यूनिवर्सिटी बोर्ड फीस होती है एक, तो उसमें फीस से कम में एडमिशन हो जाता है। और साथ में ये भी फायदा होता है, जैसे बुक्स है, डॉक्यूमेंट्री है, बहुत सारे यहाँ पे वो मिल जाते हैं। इसी तरह से बीएड की अगर हम बात करें तो बीएड हरियाणा से है और मध्य प्रदेश से है। हरियाणा में देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी है, जैसे एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जिंद, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा, इंदिरा गांधी मीरपुर, गुरुग्राम गुड़गांव में है। तो इस तरह से सारी यूनिवर्सिटी के फीस लगभग लगभग सेम है। लेकिन अगर आप एफटीए के माध्यम से अगर आप कोर्स करते हैं तो आपको मेन बेनिफिट क्या है, जो यूनिवर्सिटी फीस है उसमें या उससे कम से फीस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। साथ में बहुत सारे हेड एंड चार्जेज, एक्स्ट्रा खर्चे, तो वो भी आपके बच जाते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी की फीस के अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें आपको पूरा फीस पे करना होता है, और साथ में सारे सर्विस जैसे बुक्स के खर्चे हैं, आपकी क्लासेस के खर्चे हैं, वो भी हम लोग लाइव प्रोवाइड कर देते हैं, जिसका कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्री का यूनिवर्सिटी का कोई भी पेंडिंग वर्क है फ्री आपको हमारे इंस्टीट्यूट करा के दे देता है। तो इसलिए बेसिकली होता ये है कि हम लोग जब इतने एडमिशन करते हैं तो हमें काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। तो हम बेनिफिट क्या करते हैं, बच्चों को डायरेक्ट प्रोवाइड कर देते हैं, यानी हम लोग उसमें प्रॉफिट नहीं कमाते। उसका बेनिफिट क्या होता है कि जैसे 2-4 हज़ार बच्चों ने अगर 3-4 हज़ार बच्चे हमारे से हर साल बीएड करते हैं, तो मान लीजिए अगर हमारी आपको सर्विस बहुत अच्छी लगती हैं तो उससे बेनिफिट आपका ये होता है कि उनमें से 1,000 या 1,500 बच्चे टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो मेन हमारा प्रॉफिट मार्जिन कहाँ होता है, बीएड कोर्स कराने में नहीं होता है, बल्कि उनको डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाता है। मेन हमारा बेनिफिट है जो बच्चे कोर्स हमारे यहाँ करने आते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट स्कूल में जॉब के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए उनकी पूरी फ्री आपको काउंसलिंग चलती रहती है। और यही कारण है कि अब तक 25,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ से जॉब प्राप्त कर चुके हैं। इंडिया का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है, और हमारे चैनल पर भी दे सकते हैं, aftinstitute.com साइट पर भी दे सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट। तो आपको बेनिफिट क्या होने वाला है इसमें, अगर आप डायरेक्ट करते हैं एक तो स्टाफ ने खर्च करना पड़ा वो आपका बच गया, दूसरा बेनिफिट है इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो गई आपकी, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर मान लीजिए इतने बच्चों में से जो बच्चे कोर्स करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्या होता है, सबसे पहले उन्हें सीटेट टेस्ट पास करना पड़ता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वो पास करना पड़ता है। उसके लिए क्या, जो बच्चे हमारे यहाँ कोर्स कर रहे थे उनको तो क्लास कुछ क्लास देती होती बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। 60% तो सिलेबस ऐसा होता है बीएड करने के साथ साथ ही आपका कर लिया जाता है, और वही पासिंग स्कोर भी 60% का होता है, ना भी कोचिंग करें तो भी आपका सीटेट क्लियर हो गया। लेकिन कुछ कहते हैं चलिए ठीक है हमें अच्छे रैंक बनानी है वो कोचिंग ले सकते हैं, तो उसके हम लोग चार्ज करते हैं, उनमें भी हम 25% का डिस्काउंट देते हैं अपने बच्चों को, तो डबल बेनिफिट हुआ ना। ऐसे ही अगर आप सीटेट के लिए बीएड करने के बाद जो सीटेट करते हैं उसके बाद सीटेट पास करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है, अगर आप डीएलएड करे हुए कर चुके हैं तो आपको प्राइवेट टीचर बनना है।
तो प्रेप यार्ड की कोचिंग होती है जिसकी फीस हम लोग चार्ज करते हैं, हमें भीड़ नहीं करते यहाँ करते हैं, और जो यहाँ फीस निर्धारित है हमारी उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में हम लोग डिस्काउंट प्रोवाइड कर देते हैं। वो बेनिफिट आपको मिला, आप कोचिंग तभी लेंगे जब आपको सर्विस अच्छी लगेगी। इसी तरीके से DSSV जैसे दिल्ली सुवर्ण सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, सर्वोदय विद्यालय, यानी इतनी सारी वैकेंसीज होती हैं। अगर आप एक बार हमारे इंस्टीट्यूट एक बार जुड़ गए तब तक आपको सारी फ्री आपको जॉब के लिए इन्फॉर्मेशन आएगी, फॉर्म भरवाया जाएगा, उसकी कोई कॉस्ट चार्ज नहीं की जाती है। केवल हमारा मकसद है कि आप देखेंगे AFT इंस्टीट्यूट 97 से जो चल रहा है 99% ये बच्चियों के लिए काम करता है, गर्ल्स के लिए काम करता है। तो आप देखेंगे टीचर्स में जो कौन बनते हैं गर्ल्स होते हैं, तो इसलिए हम लोग भी प्रयास करते हैं कि सबकी ही जॉब लग जाए एक बार, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा मॉनिटरी प्रॉफिट के लिए नहीं काम करते हैं, मेन मकसद ही हो जाता है। और यही कारण है पूरे दिल्ली NCR में सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे ऐसे सरकारी स्कूल में लगे हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा शायद स्कूल होगा दिल्ली का आज डेट में जहाँ से हमारे बच्चों ने BEd करके या CTET करके या TGT PGT करके जो जॉब ना लगी हो। इसीलिए आपको, और जबकि ISO सर्टिफिकेशन ने हमें इंडिया नंबर वन का हमें एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया हुआ है जिसमें इंडिया नंबर वन का भी दिया, क्योंकि सारी सर्विस अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहते हो तो AFTInstitute.com साइट पर भी देख सकते हैं, AFTInstitute के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आप अगर एडमिशन कहीं भी ले, मान ली आपको लगता है कि किसी तरीके से आपको पहले आप कहीं वेरीफाई कर लें, फीस के बारे में वेरीफाई कर लें, जो यूनिवर्सिटी फीस है उस यूनिवर्सिटी फीस में सर्विस क्या क्या इंक्लूड करके दे रहे हैं, और हमारे कितने बच्चे जब आके देखेंगे तब आपको बेहतर आइडिया लगेगा और क्या क्या बेनिफिट कराए जा सकते हैं। तो जितने बच्चों ने कर लिए, तो मैं जो स्टूडेंट आते हैं हमारे यहाँ रेफरेंस के ही आते हैं जिन्होंने हमारे वहाँ सुना होता है, तो कई तो ऐसे मैं देख रहा हूँ जहाँ एडमिशन लेने वाले तो वहाँ छोड़ के आते हैं दोबारा हमारे यहाँ करते हैं, क्योंकि उनको बेनिफिट ये है कि अगर BEd करते हैं तो हमें कुछ नॉलेज भी होनी चाहिए, उसके नोट्स भी होने चाहिए, बुक्स भी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कोर्स में एडमिशन लेना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है सर्विस प्रोवाइड करना। कोर्स एडमिशन बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है टीसी प्रैक्टिस की, अब आपके इसमें कोई हेडेक नहीं है, जो भी काम करेगा वो इश्यू करके देगा, डिग्री तक प्रोवाइड करने तक सारे प्रोवाइड करेगा। और सर्विस कब की गारंटी, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती है तब तक आपको गारंटी दी जाती है। तो इससे बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है, पेमेंट इंस्टॉलमेंट में, पेमेंट कॉलेज में इंस्टॉलमेंट पेमेंट देना, गवर्नमेंट जॉब तक के लिए सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो एक ही बार में सारा आपको सर्विस मिल जाएगी। तो आपको बेहतर ये सलाह देते हैं, आप कोर्स कुछ भी कर रहे हैं तो साइड बाई साइड आप ये भी कोर्स कर सकते हैं। एक करस्पॉन्डेंस एक रेगुलर कोर्स करने की अनुमति है आप DLED 12वीं बाद और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप BEd कर सकते हैं। अगर BEd करने के बाद भी क्या होता है, और भी सारी फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है, तो आप विजिट करेंगे तो पता चलेगा। जब बच्चे BEd कर लेते हैं, BEd करने के बाद अगर PG प्लस MEd है तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट बेस में DLED कॉलेज में BEd कॉलेज में जॉब मिल जाती है, बड़ी आसानी से मिल जाती है। और पब्लिक स्कूलों में भी जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन MEd अगर ऑलरेडी है CTET पास है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी AFT वालों को ही मिलती है, रिकमेंडेशन AFT ही, जब से आपने ट्रेनिंग ली हुई है तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनको मिलती है, क्योंकि ये ट्रेन स्टूडेंट मिलते हैं, पढ़ाने की क्वालिटी होती है। आप कहीं जाकर देखें, तो अगर आप और भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.aft.in, www.aft.co.in और AFTInstitute.com इन साइट पर देख सकते हैं। और दिल्ली में मेरा जो एड्रेस है D11/156 Sector 8 रोहिणी, नियर रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन, आपका 389 पिलर के सामने पड़ता है। यहाँ भी आके आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, 97 से इंस्टीट्यूट हमारा। मुखर्जी नगर में भी जा सकते हैं, मुखर्जी हमारा जो पूरा ग्रुप है BGI ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, साइड बार पता है मेरी क्या क्या संस्थाएं हैं, वो www.bgi.co.in से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने संपर्क करना है तो एक नंबर भी आपको दे रहा हूँ 9999110333, नंबर दोबारा रिपीट कर लें 9999110333। एक नंबर पर संपर्क करेंगे, सारा आपके पास इन्फॉर्मेशन मिलेगी, विजिट करें, एडमिशन कहीं भी लें, मैं फिर सलाह देता हूँ आप एडमिशन कहीं भी लें लेकिन एक बार विजिट अवश्य करें, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि आपका यहाँ से करने में और अदर जगह करने में क्या डिफरेंस होता है। नमस्कार, धन्यवाद।